दोस्तों AESA या एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्टैंड अरे राडार एक ऐसा राडार सिस्टम है जिसे अमेरिका को बनाने में 50 साल का समय लग गया था, जो बनाने के बाद पहली बार F-22 राप्टर के आंख के रूप में उपयोग में आता है। जिसके बाद क्या था, F-22 राप्टर उस समय पूरी तरह से एक घोस्ट फाइटर जेट बन जाता है जो सभी दुश्मन फाइटर जेट्स को आसानी से देख सकता था, लेकिन इसे स्पॉट कर पाना नामुमकिन था। वहीं आप सोच रहे होंगे कि स्टेल्थ के साथ राडार्स का क्या कनेक्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं, एयरक्राफ्ट में लगा राडार किसी भी मोटरबाइक में लगे हेडलाइट की तरह होता है, जो तो सामने वाले को देख सकता है वहीं सामने वाले भी आसानी से उस बाइक को देख लेता है। यही सेम चीज एयरक्राफ्ट के राडार में भी उपयोग होता है। कभी भी कोई एयरक्राफ्ट उसके स्टेल्थ डिजाइन से स्टेल्थ नहीं बन जाता। वहीं पूरी दुनिया में गिने चुने ही देश हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान और भारत, जो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाए हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो इस राडार को अलग बनाते हैं, जैसे कि राडार एलिमेंट जो अलग अलग बहुत संख्या में होते हैं, जिसके चलते डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एमिट होता है। यही चीज ही दुश्मन को अंधा बना देता है। आज के समय भारत में राफेल ही इस राडार से लैस है।